मिथिला धाम की, श्री किशोरी जी की, श्री जानकी जी की, श्री राजा जनक की। नमस्कार। प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभा के निर्वाचन 2079 सम्पन्न भ गेल छै आ मतगणना प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में आबि रहल छै। आइ किछ बात करय चाहब धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के बारे में, जाहिठाम सँ पूर्व मंत्री आईएमआलए पार्टी पोलिट ब्यूरो सदस्य जूली महतोजी 33,388 मत पाबि कऽ निर्वाचित व विजयी भ गेल छथि। ओहिठाम सँ अनिल कुमार झा लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल के 33,686 मत पाबि कऽ दोसर स्थान पर रहलथि। तहिना जनमत पार्टी के शंभुनाथ झा 4,762 मत पाबि कऽ तेसर स्थान पर रहलथि। धनुषा क्षेत्र नंबर 3 सँ विजयी भेल माननीय जूली महतो महासेठ जी के हार्दिक मंगलमय बधाई आ शुभकामना। अब किछु बात करी धनुषा क्षेत्र नंबर 4 के बारे में, जाहिठाम सँ नेकपा एमाले के केंद्रीय सचिव एवं पूर्व उप प्रधानमंत्री रघुवीर महासेठ जी सबसँ बेसी मत पाबि कऽ अर्थात 32,236 मत पाबि कऽ निर्वाचित हुआ विजयी भ गेल छथि। धनुषा क्षेत्र नंबर 4 सँ नेपाली कांग्रेस के महेंद्र यादव जी 32,132 मत आनि कऽ दोसर स्थान पर रहलथि। तहिना जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के महाजन यादव 5,212 मत सँ तेसर स्थान पर, तहिना स्वतंत्र प्रत्याशी कृष्ण कुमार महतो जी जे एकटा कलाकार सेहो छथि, बड़ नीक अभिनय करै छथि, सोशल मीडिया पर हिनकर अभिनय वाला वीडियो सब लोक सब देखै रहै छथि, किछु नेपाली फिल्म में सेहो काज सब कयने छथि। ओ स्वतंत्र प्रत्याशी कृष्ण कुमार महतो जी 4,343 मत आनि कऽ 4 स्थान पर रहलथि। कोनो राजनीति पार्टी या प्रभाव के रुपया पैसा खर्च कयने बिना, भोज भतेर कयने बिना पहिल बेर में 4,000 मत पाएब साधारण बात नहीं है। आगामी दिन में मिथिला मधेश नेपालक राजनीति आ चुनाव में कृष्ण कुमार महतो जी कतेक निरंतरता देता से देख के बात है। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी से संजय कुमार यादव जी 1,121 मत पाबि कऽ 5 स्थान पर रहलथि। तहिना राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के अनिरुद्ध यादव जी 837 मत आनि कऽ 6 स्थान पर रहलथि। मिथिला मधेश नेपालक राजनीति में बहुत सक्रिय आ प्रभावशाली रहल जूली महतो आ रघुवीर महासेठ जी लग चुनाव जीतला के बाद में बहुत चुनौती सबके पार करित बहुत काम सब करबाक अपेक्षा कयल जा सकैए। गरीबी, सिंचाई, बेरोजगारी, पलायन, स्वाभिमान, अपन मायक बोली आ मैथिली भाषा में प्राथमिक शिक्षा, निम्न माध्यमिक धरि के पढ़ाई लिखाई शिक्षा के व्यवस्था, भ्रष्टाचार उन्मूलन, विभिन्न जगह पर ठगी, नागरिकता समस्या लगाए तो बहुत समस्या सब छै मिथिला मधेश में। ए सब समस्या के समाधान जूली महतो आ रघुवीर महासेठ जी समाधान कऽ नागरिक आ जनता में सुशासन समृद्धि कायम करे से अपेक्षा कऽ सकै छी। हम सब पूछे छी समस्या अनगिनित छै, असगर केना का समाधान कऽ सकैए। हम पूछे छी गरीबी विकराल छै, केकरो असगर बुते हटायल पार लगते, जमीन में सिंचाई नहीं छै, एक गोटे असगर बल पर उपजा सकते, बेरोजगारी चरम सीमा पर छै, एक गोटे पलायन रोक सकते। हम सब पूछे छी स्वाभिमान पर खतरा छे, एक गोटे की एकरा बचा सकते, सपना मूर्छित छे, एक गोटे एकरा जगा सकते, मुदा एक हाथ उठा कर तो देखू। चुनाव में अपन मायक बोली मैथिली भाषा के चुनावी प्रचार में प्रयोग करे वाला रघुवीर जी अपन प्रतिपक्षी पार्टी सब आ प्रतिपक्षी नेता सब प्रचंड उपेंद्र यादव जी लगात नेता सब के लेल बहुत सकारात्मक सोच विचार व्यवहार रखे छथि। आज उपेंद्र जी संग हामी तालमेल नगर्दे खेरि पनि तपाई समझिनुस् न, प्रत्येक इंटरव्यू में तपाईले मलाई सोध्नु भएको छ मधेशमा कति सीट आउँछ, मैले भनेको छु 10+ 10+, पहिले पनि भनेको छु र आज पनि भन्दै छु 10+ 10+ यस पटक तपाई लेख्नु मानेले मधेश प्रदेशमा 10+ ल्याउँछु हामी। नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सँगै सरकार बनाउने स्वाभाविक छ, 141 हामी लडेका छौँ, हामी नजिते पनि 82 पहिला जितेका थियौँ, 80 यसपालि पनि हामी काट्छौँ, 80 काट्छ एमाले, 25 काट्न गाह्रो छ अरे। अब सुन्नुहोस् न, त्यो त प्रत्यक्षमा, त्यो त समय आउन दिनुहोस्, काउन्टिङ हुन दिनुहोस्। चुनावसँग पहिने प्रदेश में लगभग 10 सीट जीतब आ पूरा देश में लगभग 80 सीट जीतब कहने रघुवीर जी आत्मविश्वास से भरल बात फलित भेल छे।
चुनावी प्रचार के समय में नेपाली कांग्रेस के प्रभावशाली नेता महेंद्र यादव जी के एक दूटा अभिव्यक्ति विवादित भेल रहे, जकर कारण चुनाव के परिणाम अयला के बाद में किछ मीम व मजाक वाला क्लिप सब देखल जा रहल छे। खराब शब्द के प्रयोग नहीं कैल गेल होय तो सकारात्मक के रूप में लेल जा सकय। चुनाव जीतला के बाद में नागरिकता विषय में रघुवीर मासेठ जी कहे छथि जे 3 महीना के भीतर में नागरिकता संबंधी उचित निर्णय नहीं कैल गेल त देशव्यापी आंदोलन करब कहे छथि। संपूर्ण जन्म से नागरिक छोरा छोरी ले अविलंब नागरिकता पाउनु पर्छ। यदि 3 महीना भित्र अब बनने सरकार ले निर्णय गरेन भने नेकपा एमाले को नेतृत्व में हामी देशभरी आंदोलन गर्छ। एक बात से प्रश्न होय छै जे माननीय रघुवीर मासेठ जी नागरिकता विहीन सबक लेल संवेदनशील छथि। देखे वाला बात आबी छै जे नागरिकता विहीन सबके लेल संघर्षरत युवा सबके साथ में लाइव कर ऐ समस्या के कतेक धैर्य निराकरण रघुवीर मासेठ जी कह सके छथि। ओना चुनाव जीतल नेता सब अपन गाम ठाम अपन क्षेत्र के प्रदेश के अभिभावक जका होय छै। ओ अभिभावक सब अपन दायित्व के कतेक धैर्य निर्वाह करै छथि देखक विषय छै। धन्यवाद। मिथिला धाम की श्री किशोरी जी की श्री जानकी जी की श्री राजा जनक की जय।